हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियां जो हैं वो लगभग जा रही हैं और गर्मियां आने वाली हैं। तो इस गर्मी के मौसम में कैसे आप अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, यानी कि गर्मियों के मौसम में आप अपने छोटे बच्चे का ख्याल कैसे रखते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। तो चलिए बताते हैं कुछ ऐसी बातें जिससे आप अपने बच्चे का ख्याल गर्मियों में भरपूर तरीके से रख पाएंगे। गर्मी का मौसम सभी के लिए चुनौतियों से भरा होता है और जब बात आती है छोटे बच्चों की देखभाल की तो ये चुनौती दोगुनी हो जाती है। दरअसल चिलचिलाती गर्मी के कारण छोटे बच्चे कई तरह की बीमारियों के आसानी से शिकार बन जाते हैं। ऐसे में माँ बाप की चिंता भी स्वाभाविक है। वयस्कों की तरह इस मौसम में बच्चों में भी पानी की कमी, हीट स्ट्रोक, डायरिया जैसी समस्याएं आम हो जाती है। ऐसे में पेरेंट्स का छोटे बच्चों अच्छी तरह देखभाल करना और भी अहम हो जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि गर्मी को मात देने के लिए छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। गर्मी से छोटे बच्चों के शरीर में भी पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में छोटे बच्चों को पानी के अलावा माँ का दूध भी जरूर दें, इससे उन्हें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। चाइल्ड एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्मियों में 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को दूध पीने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। इसके लिए माँ को भी हाइड्रेटेड रहना जरूरी है ताकि बच्चे को सही मात्रा में दूध मिल सके। इसके लिए माओं को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और ठंडी जगहों पर रहने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक तेज धूप होती है, ऐसे में भूलकर भी छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और वे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। बाहर अगर ले जाना है तो उन्हें हल्के रंग और पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, चेहरे को बचाने के लिए टोपी पहनाएं और धूप से बचने के लिए छाता जरूर रखें। आजकल बाजार में बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन उपलब्ध है जिसका इस्तेमाल आप डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। कई पेरेंट्स को छोटे बच्चों को ढेर सारे कपड़े पहनाने की आदत होती है। वे गर्मी के मौसम में भी बच्चों को 3 लेयर के कपड़े पहना देते हैं, जबकि ऐसा करना ठीक नहीं है। इस मौसम में बच्चों को ढेर सारे कपड़ों की लेयर पहनाने से बचें। आपका बच्चा जिस जगह पर सोता है या सबसे ज्यादा समय बिताता है उसे आरामदायक के साथ ठंडा भी रखें। सैटिन या फिर गर्म चादर बच्चे के शरीर को भी जल्द गर्म कर देगी। ऐसे में सूती कपड़े का चयन बेहतर साबित होगा। जब आप बच्चे के लिए स्ट्रॉलर खरीदें तो उसके फैब्रिक पर भी ध्यान दें। उसका कपड़ा नायलॉन जैसे हल्के फैब्रिक का हो। बाहर बिकने वाले स्ट्रॉलर और क्रिब भारतीय तापमान के लिए सही नहीं होते। गर्म मौसम में स्ट्रॉलर का फैब्रिक भी गर्म होने लगेगा, जिससे बच्चे के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। अपने शिशु को कभी भी गर्म कार में ना छोड़ें, फिर चाहे कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। गर्म कार में मिनटों में बच्चे की मौत हो सकती है। शिशुओं में पसीने की ग्रंथियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, इसलिए आपके लिए पता करना मुश्किल हो जाएगा कि बच्चे को कब गर्मी लग रही है। तो ऐसे में ये संकेत आपके काम आएंगे। बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा हो रहा हो, बच्चे की स्किन सामान्य से अधिक रूखी लग रही हो, शरीर में पानी की लंबे समय से कमी के कारण बच्चा दूध पीना भी छोड़ देता है, जो अधिक डिहाइड्रेशन का संकेत है। अगर बच्चे पेशाब करना बंद कर दे तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके जरूर काम आई होगी। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।